असलम एवरी एवरीवन माय नेम इज़ ऐशफा अशरफ एंड आई एम फ्रॉम वी एस रेडियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ ओव्यूलेशन तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है ओव्यूलेशन ठीक है अब मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि ओव्यूलेशन क्या है ठीक है ओव्यूलेशन इज़ वेना मेच्योर एग इज़ रिलीज फ्राम ओवरी पुश डाउन द फेलोपियन ट्यूब एंड इज अवेलेबल टू बी फर्टिलाइज्ड ओव्यूलेशन तब होती है जब एक मैच्योर एग सेल जो होता है वो ऑवरी में से रिलीज़ होता है फ़ीमेल ऑवरी में से रिलीज़ होता है और फेलोपियन ट्यूब में जाता है जहाँ पे ये फर्दर फर्टिलाइज़ हो जाता है अब ऐसा होता है ना कि अब ये आप सब लोग जानते हैं कि एक फ़ीमेल बॉडी में टू ऑवरीज होती हैं एक लेफ़्ट साइड पर होती है और एक राइट साइड पर होती है तो अब हर हर महीने ना एवरी मंथ एक साइड की ओवरी में से ना एक एक्सेल रिलीज़ होता है जो मैच्योर होता है ठीक है एक एक्सेल रिलीज़ होता है एक साइड की ओवरी में से हर में एवरी मंथ प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन अब ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन से पहले एल की एक लार्ज अमाउंट सिक्रेट होना शुरू हो जाती है जो क्या करती है फर्दर ओव्यूलेशन की तरफ लेके जाती है मतलब इसकी वजह से फर्दर ओव्यूलेशन हो जाती है अब हम अब मैं आपको बता देती हूँ कि एल सर्च होता क्या है एल एच सर्च इज़ डिफाइंड एज रैपिड इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ लुटीनाइजिंग हार्मोन ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स प्रायर टू ऑफ्यूलेशन ऐसा होता है कि ऑफ्यूलेशन से ट्वेंटी फ़ोर टू फोर्टी एट आवर्स पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रेशन तेज़ी से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है मतलब इसमें रैपिड इंक्रीज़ आता है इसको हम क्या बोलते हैं एल एच सर्च अब uh, वन डज ऑवुलेशन अक्र ऑवुलेशन कब होती है द टाइम ऑफ ओब्यूलेशन वेरीज विद देंथ ऑफ आ वुमेंस अब ये जो ऑवुलेशन की टाइमिंग होती है ये वुमेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बेस्ड होती है ये उसके साथ वेरी करती है ठीक है इन दवरी ट्वेंटी एट डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑवुलेशन अक्र अबाउट फोर्टीन डेज बिफोर द बिगनिंग ऑफ योर नेक्स्ट मैंस्ट्रोल पीरियड ऐसा होता है कि जो एवरेज मेस्ट्रल साइकिल होता है वो ट्वेंटी एट डेज़ का होता है ठीक है जिसमें क्या होता है ओव्यूलेशन तब होती है आपके नेक्स्ट मेस्ट्रुअल साइकिल पीरियड से पहले फोर्टी फोर्टीन डेज़ बिफोर ठीक है लेकिन अब सब में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये ओव्यूलेशन हर किसी के अपने मेस्ट्रल साइकिल से वेरी करती है ठीक है अब जो कुछ लोग होते हैं उनको पीरियड हो जाता है ओव्यूलेशन के फोर्टीन टू सिक्स डेज़ आफ्टर ठीक है तो अब लेकिन जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये फोर्टीन डेज बिफोर होता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से ठीक है लेकिन ये होता है कि इसमें हमने जो हमारे वजाइनल ब्लीडिंग के डेज़ होते हैं हमने वो भी काउंट करने होते हैं ठीक है जैसे अब फोर्टीन डेज़ का मैंने बोला आपको तो अब एटलीस्ट फोर टू फाइव डेज मैक्सिमम वजाइनल ब्लीडिंग होती है तो हमने वो डेज़ भी काउंट करने उसके बाद जो डेज़ होंगे सारे टोटल करके फोटीन डेज काउंट करके फिर उसके बाद ये ओव्यूलेशन स्टार्ट होती है ठीक है अब हाउ मैनी आर्स डज ओवुलेशन लास्ट कि ओव्यूलेशन का टाइम कब तक रहता है कि कब तक ओव्यूलेशन के चांसेस हैं ठीक है अब जब एक एग रिलीज़ हो गया ओवरी से और वो फेलोपियन ट्यूब में चला गया तो वहाँ पे तकरीबन वो ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर आवर्स तक सर्वाइव करता है ठीक है अगर तो इस्पाम आ जाता है ठीक है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मीटअप हो जाएगा और उनकी फ़र्टिलाइजेशन हो जाएगी लेकिन इन केस अगर स्पम्प नहीं आता तो आपकी बॉडी इसको रीअब्जॉर्ब कर लेगी या फिर वो जो आपका एग होगा वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा ठीक है और अब यहाँ पे कुछ मेथड्स आ जाते हैं जिनके ज़रिए से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक कर सकते हैं फर्स्ट वन इज़ सर्विकल म्यूकस सर्विकल म्यूकस अब इसके बारे में मैं आपको बता दूँ इट इज़ अ वेजनल फ्लूड प्रोड्यूस्ड बाई योर सर्विक्स ये एक वजाइनल फ्लूड होता है जो हमारी सर्विस में सर्विक्स में प्रोड्यूस होता है ठीक है अब जो मेस्ट्र ड्यूरिंग मेस्ट्रोल साइकिल हमारी सर्विक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं ठीक है अब ऐसा होता है जो हमारा सर्विकल म्यूकस होता है ना वो बिफोर ओव्यूलेशन क्या होता है वो हो जाता है मतलब बिफोर एव्योलेशन वो थिक होता है वाइट होता है और ड्राई होता है ठीक है लेकिन जब आपको एव्यूलेशन हो जाती है तो उसके बाद वो क्या होता है क्लियरी और स्लिपरी हो जाता है ना स्लिपरी इसलिए होता है ताकि वो एक ताकि वो स्पम को एक वे प्रोवाइड कर सके और जो स्पर्म है वो इजीली स्विम करके आपके एक्सेल से मीटअप कर ले और आपकी फ़र्टिलाइजेशन इजी हो जाए ठीक है और सेकंड जो यहाँ पे है मेथड वो है कैलेंडर मेथड आप एक मतलब कैलेंडर के जरिए भी अपने साइकिल को ट्रैक कर सकते हैं और बेसल बॉडी टेम्परेचर ऐसा होता है कि ओवुलेशन के डेज़ में हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है स्लाइटली स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाता है मतलब टेम्परेचर टेम्परेचर फील होता है लेकिन टेम्परेचर नहीं होता स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाता है और ओव्यूलेशन किट अब ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन ओव्योलेशन किट आ रही है जिनके ज़रिए से आप ये आ, मतलब कंफर्म कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन हुई या नहीं ठीक है अब जैसा कि होम प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं जिसमें मतलब हम लोग पी के ड्रॉप पुट करते हैं और हमें पता लग जाता है कि प्रेग्नेंट हैं या नहीं मतलब प्रेगनेंसी हुई है या नहीं तो इसी तरह से अब ओव्यूलेशन किट भी आती हैं जिनके ज़रिए से हमें पता लग जाता है कि ओव्यूलेशन हुई है या नहीं ठीक है अगर तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप ओव्यूलेट हैं अगर तो रिज़ल्ट नेगेटिव आता है इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन नहीं हुई तो हम अगर ओव्यूलेशन के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो इसके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं वो है टेंडर ब्रेस्ट ब्लॉडिंग माइनर पेल्विक और एब्डोमिनल पेन पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है पेल्विक रीजन में हल्की हल्की सी पेन रहती है और लाइट ब्रीडिंग होती है और uh, जो सर्विक्स है उसकी पोजि में चेंजेस आते हैं सेक्स ड्राइव इंक्रीज़ हो जाती है और मूड सिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सब चीज़ें हैं जो इसकी ओबुलेशन के सिम्टम्स में आ जाती हैं ठीक है थैंक यू सो मच माई प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ मेनोपॉज तो आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो है मेनोपॉज तो मैं आपको बता दूँ मेनोपॉज होता क्या है मेनोपॉज इज़ डिफ़ाइंड एज दी पीरियड वन परमानेंट ऑफ मैनस्टोरेशन टेक प्लेस मैनो वो टाइम पीरियड होता है जब एक विमेन को एक फीमेल को वजाइनल ब्लीडिंग परमानेंटली स्टॉप हो जाती है मतलब उन्हें पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं उनका मैनस्ट्रेशन साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाता है और ये नॉर्मली किस एज में होता है ये नॉर्मली एट दी एज जो फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव ईज में होता है ठीक है अब, अब कुछ वुमेन होती हैं जिनमें मैंस्ट्रेशन जो होती है वो एकदम स्टॉप हो जाती है सडनली स्टॉप हो जाती है और कुछ में ऐसा होता है कि उनका मैंस्ट्रेशन उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि जो उनकी विजाइनल ब्लीडिंग होती है वो आहिस्ता आहिस्ता पहले डिक्रीज़ हो जाती है फिर मतलब हर साइकिल में डिक्रीज़ होते होते फाइनली क्या होती है स्टॉप हो जाती है और कुछ में ऐसा होता है कि उनके ना मैंस्ट्रेसन जो होती है इरेगुलर हो जाती है मतलब उनकी उनका साइकिल बिल्कुल इरेगुलर हो जाता है उन्हें मंथ में किसी भी टाइम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और मतलब कभी ऐसा होता है कि टाइम पीरियड बहुत लेंथी हो जाता है कभी ऐसा होता है बहुत शॉर्ट हो जाता है और कभी तरह होता है कि जो उनकी उनका फ्लो होता है मतलब जो उनकी विजाइनल ब्लीडिंग होती है एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी ऐसा होता है एकदम बहुत कम हो जाती है ठीक है uh, अक्सर ऐसा होता है कि जो जो, जो मतलब फीमेल होती हैं उन्हें मेनोपॉज अर्ली एज में हो जाता है क्यों क्योंकि सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं ओवरेक्टोमी और कुछ सर्जिकल रिमूवल होते हैं ऑफ यूट्रस जिसको हम क्या कहते हैं हिस्ट्रेक्टोमी ये एक पार्ट होता है एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का मतलब जिन लोगों को जिन लोगों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल एबनॉर्मल होता है वो क्या करते हैं थ्रू सर्जरी ओवरीज और यूट्रस को रिमूव करवा देते हैं अब ऐसा होता है कि वो वो फीमेल्स जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट होता है वो उनको मेनोपॉज़ अर्ली एज में ही हो जाता है उनकी नस्बत जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल लॉन्ग होता है ठीक है अब मेनोपॉज में दो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस होती हैं एक होती है पेरी मेनोपॉज़ एक होती है पोस्ट मेनोपॉज तो जो पैरी मेनोपॉज होती है वो क्या होती है पेरी मेनोपॉज में ये होता है कि जो आपके मेस्ट्रोल पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं मतलब उनकी कोई टाइमिंग नहीं रहती किसी भी टाइम हो जाते हैं स्टॉप हो जाते हैं स्टार्ट हो जाते हैं और पीरियड्स कभी लेट हो जाते हैं कभी बहुत मतलब बहुत अर्ली हो जाते हैं और अक्सर तो ऐसा होता है कि एक आधा पीरियड जो होता है वो स्किप भी हो जाता है इसमें से और इसमें मेस्ट्रल फ्लो का भी एक होता है कि मतलब कभी मेस्ट्रल फ्लो बहुत ज़्यादा लाइटर हो जाता है कभी बहुत हैवी हो जाता है ये ये इसमें कंडीशंस होती हैं जो हमारे पास सेकंड है पोस्ट मेनोपॉज इसमें ये होता है ये मेनोपॉज जो होता है ना ये मेनोपॉज़ के काफ़ी टाइम बाद बादस में होता है ना शो इसमें ये होता है कि आपको ना बहुत सारी फिज़िकल चेंजेस आते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ठीक है अब अगर हम मेनोपॉज़ के सिम्टम्स देखते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या हैं तो इसके सिम्टम्स में आ जाते हैं लेस फ्रिक्वेंट मेन्स्ट्रेशन हैवियर और लाइटर पीरियड्स मतलब पीरियड्स का जो फ्लो होता है वो हैवी हो जाता है लाइटर हो जाता है हॉट फ्लशिस होते हैं स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है और वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है और वेट गेन एकदम वेट गेन हो जाता है अक्सर को बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है और अक्सर को बहुत ज़्यादा वेट लूज़ हो जाता है और डिप्रेशन इसकी एक मेजर कंडीशन है इसकी और और मेमोरी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि मतलब मेमोरी आपकी लूज होना शुरू हो जाती है आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं स्किन ड्राई होती है माउथ ड्राई हो जाता है और सेक्स ड्राइव रिड्यूस हो जाती है हेड रहता है ऑल टाइम और, और यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है इसमें और इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं और मसल्स और जो बोन मैस होता है वो रिड्यूस हो जाता है यानी कि आपका वेट लूज़ हो जाता है और इसमें हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और मतलब जो हमारे बॉडी के एरियाज़ होते हैं डिफरेंट पार्ट्स वहाँ पे ये हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है जैसे कि फेस पे हो गया नेक पे हो गया चेस्ट पे अपर बैक इधर मतलब इस तरह के पार्ट्स पे ना और इसमें एनजाइटी बहुत ज़्यादा होती है तो मैंने ये आज का टॉपिक आपको कवर करवा दिया है मैंने पॉज इसमें मैंने जो जो पढ़ा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ थैंक यू सो मच